अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून नमक और 5 से 6 अदद सेब। शीशे का जार भी अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया है। इसमें हम सेब डाल देंगे, नमक और चीनी भी डाल देंगे और फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी फिल्टर का है तो ठीक है, वरना आप उसे बॉयल करके ठंडा कर लें। पानी डाल के हल्का सा ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। ढक्कन इसलिए हल्का लगा कर रखना है ताकि इसकी गैस रिलीज हो जाए। अगर हम ढक्कन कस के लगाएंगे तो जो इसमें गैस बनेगी उससे शीशे का जार फट भी सकता है। इसे आपने कबर्ड में या किचन में जो कैबिनेट वगैरह बनती हैं आपने उसमें रखना है और सुबह शाम लकड़ी के स्पून से इसे हिलाते रहना है। 40 दिन में इंशाल्लाह ये सिरका तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको एक डेमो दिया है। मैं ये सिरका 2 महीने पहले डाल चुकी थी। डालने के बाद मैं यहाँ से चली गई, इसलिए वीडियो नहीं बना सके। पीछे से घर वाले इसे सुबह शाम हिलाते रहे हैं। ये जो बीच में आपको सेब के पीस नजर आ रहे हैं, इन्हें आप निकाल दें और ज़ाया कर दें और सिरके को किसी बोतल में डालकर इस्तेमाल करें। बेहतरीन सेब का सिरका तैयार हो चुका है, जिसे आप एप्पल साइडर विनेगर भी कहते हैं। ये 2 साल पहले मैं डाल चुकी हुई हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा कोई चैनल नहीं था। आपसे शेयर करने के लिए रेसिपी मैंने दोबारा बनाई है। बाजार के सिरके से बहुत बेहतर है, आप भी इसे ट्राई करें। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।